पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त वो मुतहरिक हैं, साथ मौलाना फजल रहमान वो भी मुतहरिक हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है? वो है एम्पायर का न्यूट्रल होना। और जो लोग कह रहे हैं कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं है या एम्पायर को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, अगर वो इनका साथ देगा तब भी मामला तो होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज इस वीलॉग में आपको बताता चलूं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियत से मेरी बात हुई और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मेरा आप नाम तो ना इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने कहा कि एक चीज़ आप अपने नाज़रीन को अपने यूट्यूब के ज़रिए भी और अपने टीवी चैनल के ज़रिए भी लाजमी बताएँ कि अगर इस मरतबा किसी किस्म की जो यकीन दहानी कराई गई है उसके अंदर नाप तोल में कोई कमी हुई, या अगर वो जो बातें हुई और जिस तरह ये सारी हवा बनाने में किरदार अदा किया गया उन हलकों का, अगर उस तरफ से जो वादे वाइद हुए अगर वो पूरे ना हुए तो फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसके बड़े बुरे असरात नज़र आएंगे। क्योंकि ये बात ये नहीं है कि ये तमाम सियासी जमातें एकदम से ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई, तकरीबन 6 से 7 माह से तमाम एक कह दें दाल पक रही थी और वो 6 से 7 माह के बाद दाल पकते पकते आज का दिन आ गया है। और आने वाले जो रोज़ है 14 फरवरी से ऑनवर्ड आप देखेंगे कि सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ेगा। 18 फरवरी को शहबाज शरीफ की पेशी है, 17 फरवरी को मरियम नवाज की पेशी है और उसके साथ साथ जो अदम इत्माद की तहरीक है कहा यह जा रहा है कि इन दो पेशियों से या कुछ एक दो रोज़ कबल या इनके फौरी बाद जो है इजलास तलब करने के हवाले से रिक्वेजिशन की जाएगी। और फिर ये देखना है कि अगर इजलास होते हैं तो उसमें एजेंडा के अंदर अदम इत्माद होता है या नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाजे है कि अब उन तमाम लोगों को पैगाम पहुँच चुके हैं और वो जो कहा करते थे हमेशा कि जनाब टेलीफोन चल गया, टेलीफोन आ गया, टेलीफोन हो गया, तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस मरतबा टेलीफोन नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ अवामी राय आम आपके साथ है, अगर आप ये समझते हैं कि नंबर गेम आपके साथ है, MPs इलेक्टेबल्स जो असम्बलियों के अंदर है वो आपके साथ है, तो बिल्कुल आप उनके साथ जो है चलकर इस हुकूमत को गराएं। और आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप ये काम करें, उसमें कोई भी रुकावट ना डालेगा और ना ही किसी को रुकावट में हिस्सा लेने का शौक़ है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अब जो जिस तरह मामला चल रहे हैं इसी माह के अंदर लग यही रहा है कि 28 फरवरी से कबल ही इस हुकूमत का धर्म तख्ता होगा। पंजाब में अगर पहले तरीके अदम इत्माद आती है तो आप समझ सकते हैं कि वफाक में फिर इमरान खान के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा और उस प्रेशर के अंदर आकर हो ये भी सकता है कि वो अपनी असम्बलियाँ ही डिसॉल्व कर दें और उसकी असम्बली जो है वो आगे भिजवा कर वो तमाम जो मामला है उसे वहीं पर रोल बैक कर दें। लेकिन बात वहीं पर आती है, क्या इमरान खान को फॉरेन फंडिंग से तो नहीं निकाला जाएगा? क्योंकि ज़रा ये बता रहे हैं कि सबसे सेफ जो रास्ता है वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सुना दिया जाता है तो फिर किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं रहती। फौरी तौर पर ये जो तमाम एकदम सियासी माहौल गर्म हुआ है उस तमाम सियासी माहौल का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी, मौलाना फजल रहमान भी, चौधरी बरादरान भी और इसी तरह सिंध के GDA भी, MQM भी और बाप भी, वो तमाम लोग जो है इसका फ़ायदा फिर लेंगे और फिर जो एक कौमी हुकूमत है वो 1 से 1.5 साल के लिए कायम होगी और उसके बाद वो फिर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए एक चीज़ है कि वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब देखना ये है कि ये तमाम जो मामला जो चीज़ें चली हैं वो कब तक हो पाती हैं। लेकिन मैं आपको एक आखिर में चलते चलते बता दूँ, चौधरी परवेज़ लाई और शहबाज शरीफ की और चौधरी शुजात हुसैन की, इन तीन अफराद की 20 मिनट की बैठक हुई जिसके अंदर इन तीन के अलावा कोई नहीं था। मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं भी वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन एक आपको बात बता दूं, मुझे मेरे ज़राए ने ये बताया है कि जनाब बॉडी लैंग्वेज बहुत मुस्बत थी और तीनों जो रहनुमा हैं वो किसी नुक्ते के ऊपर एग्री हो चुके हैं। क्या वो वफाक के अंदर इन्हें अकोमोडेट करेंगे या पंजाब के अंदर अकोमोडेट करेंगे, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।